रामलीन महादिग्विजयनाथ पार्क में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। मुख्यमंत्री योगी स्वयं मौजूद रहकर वर व वधु को देंगे आशीर्वाद। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी भाषा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी करेंगे सम्मानित। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित महान दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के तहत एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर खेला गया मैच। 10 दिसंबर को होगा पुरस्कार वितरण। विजेता व उपविजेता टीम होंगे सम्मानित। एक नई आशा संस्था द्वारा महिला बैरक में महिला बंदियों को वितरित किया गया कंबल व दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सामग्री। वन विभाग द्वारा शहर के 15 पार्कों का किया गया है चयन। पार्कों में पौधारोपण व टूटे बाउंड्री वॉल को करवाया जा रहा है ठीक। डीएफओ विकास यादव ने दी जानकारी। कपूर महानगर के एम्स थाना क्षेत्र के माड़ा पार कोनी फरेन नाला के पास 5 दिसंबर को मिली महिला की लाश की बिहार के गोपालगंज के रूप में हुई पहचान। एसएसपी ने कहा गोपालगंज पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का केस किया है दर्ज। आगे की जा रही है कानूनी कार्रवाई। गोरखपुर महानगर में पैडलेगंज से नौकायन तक के मार्ग को नो वेडिंग जोन बनाने के लिए अभियान चलाकर हटाए गए ठेले खोमचे, दी गई चेतावनी। गोरखपुर जिले के नंदापार गांव में भूमि विवाद में थाने पहुंचे भाजपा नेता को दरोगा ने मार दिया थप्पड़। पार्टी नेताओं के सूचना देने पर पहुंचे एसपी साउथ ने दोनों पक्ष को समझा कर कराया शांत। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आरोपी दरोगा आनंद कुमार को किया लाइन हाजिर। सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर के द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए मिली लेट्स प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। एडीजी अखिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। गिडे थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 900 चौराहे पर पैदल गश्त कर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध चलाया गया सघन अभियान। सड़क के किनारे खड़े चार पहिया वाहनों की ली गई तलाशी, उतरवाई गई काली फिल्म।